नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला के समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत विशनपुर व जितवारपुर गांव में रविवार 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समस्तीपुर विकास मंच के लोगों ने विशनपुर निवासी अवकाश प्राप्त रेलवे लोको पायलट मोहम्मद तनवीर व मोहम्मद गुलाम शाहिद तथा जितवारपुर निवासी अवकाश प्राप्त रेलवे गार्ड गणपत राय सहित करीब एक दर्जन से अधिक बुजुर्गों को समाज सेवी राकेश कुमार ठाकुर ने पाग, चादर, माला, कलम तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, वे समाज विकास नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान करें। वृद्ध लोग समाज की अनुपम धरोहर है, इनकी सेवा ईश्वर की सेवा जैसी है। वृद्धजनों का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए तथा उनके जीवन व अनुभवों से युवा पीढ़ी को सीख भी लेनी चाहिए। मौके पर समाज सेवी राजेश कुमार, उत्कर्ष बैंक के वरीय प्रबंधक रवि आनंद, अधिवक्ता मोहम्मद शाहिद हुसैन, समाज सेवी मोहम्मद आसिफ इकबाल, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद गुलाम शाहिद, मोहम्मद रुहुल्ला खान गुड्डू, रंजीत कुमार रंभू, मनोज कुमार राय, विजय कुमार राय, जयलाल राय, ज्योतिष महतो, रविन्द्र कुमार, मनोज पटेल, प्रमोद कुमार पप्पू, जगदीश राय, शंभू राय, राहुल कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जयलाल जी से आग्रह होगा, कलम को सम्मानित करेंगे। चलिए हो गया, और आ गया। जानता रखती है, विजय दिवस में आए हुए हैं और इन्हें सम्मान किया।